नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं हरे चने का भभड़ा बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए है हरा चना, ये छोटी मिलती है तो ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और चावल का आटा। मैं इसे सरसों के तेल में बनाऊँगी। सबसे पहले चना में चावल का आटा मिलाएंगे। चाहे तो इसमें थोड़ी सी बेसन भी मिक्स कर सकते हैं और इसमें नमक मिलाएंगे, लाल मिर्च का पाउडर। ये सब अपने स्वाद के अनुसार डालना है, मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जीरा, और इसे खूब अच्छी तरह से फेंट कर और धीरे धीरे पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत गाढ़ी नहीं रहती है। खूब अच्छी तरह से इसे हाथ से फेंट लेती हूँ। पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालकर और इसे फेंक लेना है। ये चावल के आटा से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आधा आटा आधा बेसन भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तवा को गर्म कर लेना है और उसमें तेल डाल देना है। तेल गर्म होते ही इसे इसके ऊपर डालकर और फ्लैट कर देंगे। जितनी बड़ी मर्जी उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। तवा बड़ी है तो एक साथ जितनी डल सकती है डाल देते हैं। इसी सीज़न में हरी चना मिलती है, इस सीज़न में इसे बनाया जाता है। वैसे इसे छोटे चने से ही बनाया जाता है, ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो जहाँ मिल जाए वही अच्छी है, अपना स्वाद सबसे अच्छा। अब इसे आँच को सिम करके और धीरे धीरे पका लेना है। तवे पर तेल साइड में हो जाती है तो इस तरह से कर देते हैं। अगर बीच में गहरी वाली तवा हो तब तेल आगे पीछे करना उसमें भी ज़रूरी है, ताकि सारे भगोड़े तक तेल पहुंच जाए। जब एक साइड पक जाए तो इसे इस तरह से उलट देते हैं। चावल के आटे से ये बहुत ही कुरकुरी बनती है। अगर सॉफ्ट बनाना है तो बेसन से बनाएं और उसमें थोड़ा सा एक चम्मच दो चम्मच चावल का आटा डाल दें, या ना डालें, केवल बेसन से इसे बना लें। इस तरह से इसे उलट कर फिर दूसरे साइड पका लेंगे। अगर लाल मिर्च नहीं डालना है तो हरी मिर्च डाल दें। ये सब थोड़ी हरी हरी चीज़ है तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर पड़ जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
अब इसे दूसरे साइड चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल पक चुकी है, अब इसे निकाल लेना। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे निकाल लेना है। एक एक करके चेक करते जाना है, जो रेडी होती जाती है निकलती जाती है। ये देखिए अच्छी तरह से पक गई है, इसी तरह से सारे भगड़े को चेक कर लेंगे उलट कर और निकालते चले जाएंगे। ये भी हो गई है, ये भी रेडी है, सब रेडी है। इस तरह से हरे चने का भगड़ा तैयार किया जाता है। फिर से तवे में तेल डालकर और सारे भबड़े तैयार कर लेंगे उलट पुलट कर, इस तरह से फैलाते जाएंगे। ये चूंकि साबुत चना से तैयार की जाती है इसलिए इसे भबड़ा कहते हैं। जैसे ही एक साइड सिक जाए उलट देंगे और दूसरे साइड पका लेंगे। इसी तरह से सारे भबड़े तैयार कर देंगे उलट पलट कर, और तेल की ज़रूरत हो तो इस तरह से तेल को हिला डुला कर भबड़े तक ले जाते हैं। इस तरह से बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी हरे चने का भबड़ा तैयार किया जाता है। ये खासकर होली के सीज़न में ज़रूर सभी लोग बनाते हैं। आप भी इसे बना कर देखें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।